हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लिंक्ड लिस्ट है हमारे पास, उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो यार, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कोई भी एक लिंक्ड लिस्ट है हमारे पास, जैसे मैं ले लेता हूँ वन टू नल, सपोज करो ये एक लिंक्ड लिस्ट है, हमें इसको रिवर्स करना है। अब रिवर्स करने का क्या मतलब है भैया? रिवर्स करने का मतलब यार, वन जो है ना वो टू को पॉइंट कर रहा है ना, तो अभी टू को नहीं पॉइंट करेगा, वन जो है वो पीछे वाले को पॉइंट करेगा। ऐसी टू वाला जो पॉइंटर है वो नल को नहीं पॉइंट करेगा, वो पीछे पॉइंट करेगा, ठीक है। और ये नल जो है ये हेड हो जाएगा, और हेड जो है वो नल हो जाएगा। सबसे पहले हम तीन पॉइंटर्स लेंगे यार। तो मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, जैसे एक प्री करके पॉइंटर में लूंगा, वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। सो लेट इट बी, जैसे यहाँ पे कोई प्री पॉइंटर है। उसके बाद एक कर करके पॉइंटर होगा जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा, और एक कर अंडरस्कोर नेक्स्ट पॉइंटर ले लेते हैं जो कि कर के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो कर जो होगा वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा, और कर अंडरस्कोर नेक्स्ट जो होगा वो कर के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। ओके, कर का जो नेक्स्ट है वो प्री को पॉइंट करवाएंगे हम। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे करना है। तो प्री में जो वैल्यू स्टोर्ड है, प्री में भी सपोज करो नल स्टोर्ड है, तो कर का नेक्स्ट उसमें आ जाए, कर के नेक्स्ट में, मतलब ये इधर आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा यार कि कर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्री में चले जाए, कर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्री में चले जाए, ठीक है। थर्ड क्या होगा? प्री अब इधर आ गया। थर्ड क्या होगा यार? कर अंडरस्कोर नेक्स्ट वाली वैल्यू, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट वाली वैल्यू कर में चले जाए, ये वैल्यू कर में चले जाए, कर में चले जाए, ठीक है। चौथा क्या होगा यार? कि कर अंडरस्कोर नेक्स्ट जो है वो कर अंडरस्कोर नेक्स्ट जो है वो एक आगे खिसक जाए, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट का नेक्स्ट। अब ये चार स्टेप्स कब तक चलेंगे? जब तक कि कर जो है, कर मतलब ये वाला पॉइंटर ये नल ना हो जाए। पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करेंगे हम, और एक एक का पॉइंटर पीछे करते रहेंगे, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। व्हाइल कर नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से ट्राई रन करके देखते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा? व्हाइल कर नॉट इक्वल टू नल, कर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो ये नल तो है नहीं, तो ये लूप चलेगा। अब प्री में जो वैल्यू है कर उसको नेक्स्ट में चल जाए, मतलब ये वाली वैल्यू उठ करके इधर आ जाएगी, राइट। उसके बाद क्या होने वाला है? कर में जो वैल्यू है वो प्री में आ जाए, तो ये प्री इधर आ जाएगा, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट की वैल्यू कर में चले जाए, ये इधर चले जाएगा। अब कर अंडरस्कोर नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट तभी जाएगा ना, अब इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ कर अंडरस्कोर नेक्स्ट नल नहीं हो तभी ये आगे जाए। इफ कर अंडरस्कोर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होगा ना, तभी ये आगे जाएगा। तो अभी तो क्या ये लास्ट को पॉइंट कर रहा है नल है ना, तो ये वाला स्टेप नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आगे तो हम भेजना ही नहीं चाहते, नहीं तो आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप नहीं चलेगा। अब क्या होगा? ये कंडीशन चाहिए होगी, वाइल कर नॉट इक्वल टू नल, कर भी नल हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगी, यहां से बाहर आ जाएंगे हम। तो आप देख रहे हो, तो प्री पॉइंटर है वो लास्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, तो जो हमारा प्री पॉइंटर होगा ना वो हमारा हो जाएगा क्या? हेड। तो हम रिटर्न कर देंगे क्या? प्री पॉइंटर, ठीक है। ये हो गई हमारी एल्गोरिदम कि इसको यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसका कोड लिखता हूं यार यहाँ पे, तो हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लेता हूं, स्ट्रक्ट नोड स्टार करके, इसका रिवर्स फंक्शन का नाम ले लूंगा मैं। अब इसमें क्या आने वाला है मेरे पास? इसमें मैं बोल रहा हूं हेड पॉइंटर आने वाला है। थोड़ी यार राइटिंग पे ध्यान ना दीजिए, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट
समझने की कोशिश करते हैं। हेड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कॉर्नर केसेस चेक करेंगे यार, कि जैसे सपोज करो यार लिंक्ड लिस्ट आपको दी तो है पर नल है, खाली लिंक्ड लिस्ट दे दी तब क्या करोगे, या सिर्फ एक ही नोड की लिंक्ड लिस्ट दी है तब क्या करोगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे यार, जो भी हमारा हेड आएगा ना उसको ऐसे कैसा रिटर्न कर देंगे। तो अगर तो हेड नहीं है या फिर क्या नहीं है, हेड का नेक्स्ट भी नहीं है, राइट, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या हम कर देंगे हेड रिटर्न, सबसे पहले हम पॉइंटर्स ले लेंगे, नोड स्टार प्री को नल को पॉइंट करा दो, नोड स्टार कर ले लो उसको हेड को पॉइंट करा दो, और क्या बचा, नोड स्टार कर अंडरस्कोर नेक्स्ट ले लो, वो किसको पॉइंट करेगा, कर के नेक्स्ट को, यही बताया था ना मैंने, तीन पॉइंटर मैंने डिवाइड कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लूप चलाने वाले हैं, जब तक कि कर नल ना हो जाए तब तक वो लूप काम करेगा, वाइल जब तक कि कर है तब तक ये लूप चलने वाला है, प्री में जो वैल्यू है उसको कर के नेक्स्ट बना दो, ठीक है, ये इधर चला गया। अब यहां वाली वैल्यू पे, यहां पे भी कर है ठीक है, प्री पीछे है तो प्री अब इधर करना है हमें, प्री विल बी सी, तो कर में जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या, प्री। तो अभी कर वाला वैल्यू हमने प्री में डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, कर का नेक्स्ट जो है, कर का नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा, कर का नेक्स्ट कर हो जाएगा। और अब आगे क्या करने वाले हैं, हम कर का नेक्स्ट को आगे शिफ्ट करेंगे, पर यहां पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यार, इफ कर का नेक्स्ट, सॉरी, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तभी क्या हो, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट जो है वो आगे खिसके, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट अगर नल नहीं है तभी कर अंडरस्कोर नेक्स्ट आगे किसके, क्योंकि जब नल पे पॉइंट कर रहा होगा वो, तब हम नहीं चाहते यार कि वो आगे किसके, नहीं तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कोड। उसके बाद फिर हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे हम जो मैंने अभी आपको बताया था, प्री पॉइंटर, जो कि हमारा नया हेड बन चुका होगा, राइट। तो यार ये पूरा मैंने आपको बताया था, अब हम चलेंगे यार, मैं आपको कोड करके बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं हम, मशीन कोडिंग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए यार उसको देखते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं हमारे कोड ब्लॉक्स में, और अब हम कोड करेंगे अपनी एक लिंक्ड लिस्ट जिसको हम रिवर्स कर सकें। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट नोड बनाया, इसके अंदर एंड डेटा और इसका एक पॉइंटर नेक्स्ट बनाया, और फिर अब मैं लिंक्ड लिस्ट कोड करने वाला हूँ। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम, मेक लिस्ट, जो हमारा लिंक लिस्ट बना करके देगा हमें। ओके, इसमें हम करेंगे हेड रेफरेंस लेंगे हम, जो कि लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और हम लेंगे क्या, डेटा। ओके, अब हम एक खाली नोड बनाएंगे, न्यू नोड, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अब इसको न्यू नोड के डेटा में क्या डालेंगे हम, न्यू नोड के डेटा में डाल देंगे हम क्या, डेटा। ओके, न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो हमारा हेड पॉइंटर है, हेड रेफरेंस,
यहाँ पे मैंने अगर आप देखेंगे तो पॉइंटर टू पॉइंटर लिया है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर इसलिए लिया है यार क्योंकि जब भी मैं इस लिंक लिस्ट में कोई चेंज करूँगा तो थ्रू आउट द कोड रिफ्लेक्ट होएगा, मेरे को कोई भी चीज़ यहाँ से इसका हेड रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर लिया है यार। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड को जो पॉइंट कर रहा हूँ, जो पॉइंट कर रहा होगा उसको हेड रेफरेंस पॉइंट करने लग जाए। ओके ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब ये हमारा बन गया मेक लिस्ट फंक्शन। ओके अब हम मेन से इसको कॉल करा के अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो फर्स्टली विल क्रिएट द हेड जो कि नल होगा, उसके बाद मेक लिस्ट कॉल करा सकते हैं हम, मेक लिस्ट कॉल करा सकते हैं हम। नाउ हेड का रेफरेंस पास करेंगे ओबियसली, और वन हमारा पहला नोड होगा। तो 5.5 नोड्स की लिस्ट बना देता हूँ। काफ़ी जिगजैग वे में नहीं आ गया ये, चाहता नहीं था वैसे मैं कि आए। कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है यार। 4, 4, 5 तो हमारी लिस्ट क्या बनेगी फाइनल, यहाँ पे वो बनेगी 5, 4, 3, 2, 1 और नल। जो भी नोड आता रहेगा नया वो पहले नोड से बिल्कुल फर्स्ट नोड पे आता रहेगा और पॉपुलेट होता रहेगा। सबसे पहले 1 गया था, फिर 2 उससे पहले पॉपुलेट होगा, 3 उससे पहले, 4 फिर 5, ऐसे ये लिंक्ड लिस्ट बन जाएगी हमारी। ओके अब इस लिस्ट के लिए, लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए फंक्शन चाहिए होगा हमें, हम वो बना लेते हैं वॉइड प्रिंट लिस्ट। हेड जब तक कि टेम्प नल नहीं हो जाता हमें प्रिंट कराना है क्या, टेम्प का डेटा। ओके और टेम्प को आगे भी तो खिसकाना है भैया। ये हो गया हमारा प्रिंट लिस्ट फंक्शन। इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट सी आउट। क्या प्रिंट लिस्ट बिफोर रिवर्सिंग, ओके प्रिंट लिस्ट फंक्शन कॉल होगा हमारा, उसमें हम हेड पास कर देंगे। ठीक है हेड पास कर देंगे। अब ऐसे ही यार हम बाद में भी प्रिंट कराने वाले हैं आफ्टर रिवर्सिंग, उसको भी हम पहले ही लिख लेते हैं। प्रिंट लिस्ट आफ्टर रिवर्सिंग, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम वो फंक्शन कॉल करेंगे, और पहले हम उस फंक्शन को बना तो लें भैया। ओके तो रिवर्स लिस्ट का फंक्शन बनेगा रिवर्स लिस्ट। ये हमारा मेन फंक्शन है यार जिसको हम कोड करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले मेरे को इसमें क्या चाहिए होगा, हेड रेफरेंस चाहिए होगा, और आई डोंट थिंक इसके अलावा मुझे इस फंक्शन में कुछ चाहिए। हेड रेफरेंस से ही मैं सब कुछ करने वाला हूँ। अगर ये हेड रेफरेंस नल है
अगर ये हेड रेफरेंस नल है तो क्या करेंगे हम, रिटर्न करा देंगे ऐसे नॉर्मली। आगे चलते हैं यार। अब हम क्या करेंगे, तीन पॉइंटर जो मैंने बोले थे वो बनाएंगे। स्टार प्री इक्वल टू नल, ओके। स्टार कर इक्वल टू क्या, हेड रेफरेंस, ओके। कर अंडरस्कोर नेक्स्ट इक्वल टू कर का नेक्स्ट, राइट। उसके बाद क्या होगा, वाइल कर चलाएंगे हम। अब ये कब तक चलने वाला है, जब तक कि नल नहीं होने वाला, ओके। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो प्री में जो वैल्यू थी वो क्या होने वाला है, कर का नेक्स्ट, ओके। अब कर में जो वैल्यू थी वो चली जाएगी प्री में, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट में जो वैल्यू थी वो चली जाएगी कर में, कर अंडरस्कोर नेक्स्ट आगे खिसकेगा, ग्रेट। कर अंडरस्कोर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तो ही आगे खिसकेगा, अंडरस्कोर नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट का नेक्स्ट, ओके। ये मेरी बात समझ में आई। अब एंड में हम क्या करेंगे यार, हम कर देंगे कि एंड में प्री में आ जाएगी वो वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ओके। तो प्री में जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, हेड का रेफरेंस, एंड दैट्स इट। यही हमारा फंक्शन होना चाहिए, ओके। तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, रिवर्स लिस्ट फंक्शन विल बी कॉल्ड हियर, ओके। इसमें क्या भेजेंगे हम, इसमें भेजेंगे हम एम्परसेंड हेड, ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे लिस्ट हमारी क्या आनी चाहिए आइडियली, वन टू थ्री। ट्राई करते हैं रन करने का, ओके। तो कोई एरर नहीं आया हमारा, स्ट्रेंज। नाउ वील सी दी आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट है हमारा प्रिंट लिस्ट बिफोर रिवर्सिंग 5 4 3 2 1, ओके। जैसा कि एक्सपेक्ट था, प्रिंट लिस्ट आफ्टर रिवर्सिंग 1 2 3 4 5, ओके। हमारा कोड सक्सेसफुली चल चुका है यार, आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट हमारी रिवर्स हो चुकी है, दैट्स ग्रेट, ओके। तो ये तो एक सिनेरियो हुआ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि यार खाली जब मैं वन भेज रहा हूँ, खाली वन भेजाऊँ तब क्या आ रहा है, बिल्ड करेंगे पहले। वन भेजता हूँ तो खाली वन आना चाहिए, कोई एक्सेप्शन या कुछ नहीं आना चाहिए। वन भेजा तो खाली वन आ रहा है, ग्रेट। लेट्स सी कि जब नल है, हेड हेड नल है तो क्या आएगा, हेड ही नल है तो हमारी लिस्ट भी नहीं बनेगी, तो कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा हमारा, ओके, ग्रेट। तो यार ये मैंने आपको कोड दिखाया कि हम लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला कोड मैं आपको गिटहब पे दे दूँगा, गिटहब का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए चलते हैं यार। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि यार एक लिंक्ड लिस्ट है, उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं और मतलब हम उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट देखना है। और आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं आप किस टाइप की वीडियोज और देखना चाहोगे। और जो मेरा कोड है वो मैं गिटहब पे डाल रखा है मैंने, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेक करें यार और आपको मिल जाएगा। तब के लिए यार आपको पता क्या करना है, मजे मारो।